का इम्पैक्ट देखने को मिला। रोटो पंप दिन के ऊपरी स्तर पे उमंग डेयरी करीब 4% की मजबूती, एक अच्छी रैली देखने को मिली है। इसके अलावा जो तीसरा स्टॉक जो उन्होंने बताया उसमें मजबूती देखने को मिली। तीन स्टॉक्स आपने किरण सुना और तीनों स्टॉक्स में देखिए एक स्पाइक देखने को मिल रहा है, तीनों स्टॉक्स दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। क्या तीनों स्टॉक्स कई बार खरीदना मुश्किल होता है, इसमें से एक शेयर या दो शेयर आपको लगता है कि हाँ खरीदिए, अगले 10 दिनों में पैसा मिलेगा, अच्छा मिलेगा? बिल्कुल, उमंग डेयरी मुझे भी टेक्निकली बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। एक अच्छा रेजिस्टेंस था 82 का, उसने क्रॉस किया है, आज अच्छे वॉल्यूम के साथ चल रहा है और इमीडिएट टारगेट्स करीबन 100 के दिख रहे हैं, जो कि स्विंग टॉप था पिछला। पर अगर ये टॉप निकल जाता है तो मुझे लगता है कि और भी बढ़त देखने को इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। इन शॉर्ट एक मार्केट आउट परफॉर्मर रहेगा और इस लॉन्ग ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस सिर्फ 81 का लगाना है। दूसरा होगा नवीन फ्लोरोकेम, बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है चार्ट्स पे। नवीन फ्लोरोकेम में टेक्निकली एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 3200 का, एक बार ये स्टॉक ये लेवल निकल जाए उसके बाद खरीदारी करनी चाहिए। विविमेड लैब, वैनबरी, आयोल केमिकल, हेस्टा बायोसाइंस, सुवेन लाइफ साइंस, क्लिच ड्रग्स, ऑर्टन लैब्स, वीनस रेमेडीज, एस्ट्राजेनिका, ऑर्किड फार्मा, लिस्ट काफी लंबी, 10 शेयर मैंने बताया, एक या दो शेयर जल्दी से। विविमेड लैब्स एक चार्ट पैटर्न अच्छा दिखाई दे रहा है मनीष जी, ये तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और जो अनचार्टेड टेरिटरी में स्टॉक चला जाता है जहां पे फार्मा सारे के सारे नीचे चल रहे हैं और ये ऊपर चल रहा है, तो बिल्कुल इस स्टॉक में कुछ इनहेरेंट स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। तो मेरा मानना है कि 120 के स्टॉप लॉस के साथ डिलीवरी मार्क करनी चाहिए, पोजिशनल मूव्स मार्क करनी चाहिए और टारगेट्स के लिए 135 शॉर्ट टर्म के लिए और 155 मीडियम टर्म के लिए रहेगा। दूसरा रहेगा सुवेन लाइफ, जहां पे मुझे लगता है कि इधर भी एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। सुवेन में स्टॉप लॉस करीबन स्टॉप लॉस के अगर देखते हैं तो सुवेन में स्टॉप लॉस करीबन 182 का रहना चाहिए और टारगेट्स के लिए 195-196 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। वैसे ही किलिच ड्रग्स भी अच्छा दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है कि इधर से भी एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। किलिच, विविनेट लैब्स और सुवेन लैब्स, तीन ऐसे शेयर हैं जो पसंद है किरण को खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। किरण, फटाफट मैं आपके सामने तीन स्टॉक सकता हूं जिसमें सडन स्पाइक देखने को मिला। इंट्राडे चार्ट देखिए, इंडिया बुल्स रियल 12% लोअर लेवल से शेयर में रिकवरी देखने को मिली। एक समय सुबह में शेयर में 9-10% की मजबूती थी, अब दिन के ऊपर स्तर पर कारोबार कर रहा है। डेल्टा कॉर्प देखिए, इसमें एक सडन स्पाइक देखने को मिला, कल भी यह शेयर फास्ट मनी में रिकमेंड किया गया, कल से लगातार तेजी देखने को मिला, आज भी तेजी देखने को मिल रही है। और आईआरबी इंफ्रा देखिए, तीनों स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है, क्या रहा फटाफट तीनों शेयर पर रहा आपकी? इंडिया बुल्स रियल एस्टेट मुझे नहीं लगता कि मार्केट आउट परफॉर्मर रहेगा, मार्केट परफॉर्मर ही रहेगा। ऊपर में 145 में एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, तो इसी रेंज में रहना चाहिए। पर डेल्टा की बात करें तो डेल्टा में मुझे लगता है कि इधर एक अच्छी मूव देखने को मिल जानी चाहिए। बहुत नेगेटिव बातें हो रही थी पर उस तरीके से स्टॉक नीचे गिरा नहीं और एक अच्छे बेस के नजदीक है। 162-165 एक बहुत अच्छा बेस है, उसके नीचे जाते हुए मैं स्टॉक नहीं देख रहा हूँ। और तीसरा जो आईआरबी की बात कर रहे थे, आईआरबी मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार मूव आने चाहिए अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में। अगर हम ओपन एडिशंस भी देखते हैं तो डेरिवेटिव डेटा भी देखते हैं तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अभी भी आज भी ओपन इंटरेस्ट एडिशंस करीबन 8.5% की देखने को मिल रहा है, तो मेरा मानना है कि इधर से बहुत अच्छी मूव देखने को मिलेगी। और लॉन्ग टर्म चार्ट भी देखते हैं तो जो एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है उसका ब्रेकआउट बहुत जल्द देखने को मिलेगा, तो इधर मैं स्टॉप लॉस 246 का सजेस्ट करूंगा और होल्ड करने की बात करूंगा। 270 के फर्स्ट टारगेट्स रहेंगे पर इसके ऊपर भी जाने की क्षमता ये स्टॉक रखता है, तो बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न है आईआरबी का।